हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त चकाचक होंगे। तो यार, आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी का फुल डे रूटीन। आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं, आज मेरी बेटी का ब्लॉग है। तो कैसे उठती है, क्या क्या करती है पूरे दिन में, आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग से स्टार्टिंग हो रही है, मैडम को जाना है स्कूल आज, और उठने में इतनी दिक्कत करती है ना विंटर में स्पेशली। जी नहीं क्या, एक्चुअली सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, सुबह उठाना सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों को मॉर्निंग में। तो बहुत देर लगा लेती हूँ उठने में, आधा टाइम तो मेरा यहीं पे वेस्ट होता है, पर उठाना भी ज़रूरी है। उठने का सीधा तो वॉशरूम में नहीं ले जा सकते, थोड़ी देर उसको खिलाना पड़ता है, थोड़ी देर उसकी नींद उचकानी पड़ती है उसको, मतलब थोड़ी सा ना फ्रेश हो जाए तो उस तरीके से करना पड़ता है, उसको एनर्जी आ जाए थोड़ी सी मैडम में। और यार, उठाने के बाद मैं उसको पानी पिला देती हूँ बाहर ले जाके, एंड पानी पीने के बाद मैडम आ जाती है सीधा वॉशरूम में। अब यहाँ मैं उसको ब्रश एंड नहलाना धुलाना सब एक साथ करके ही निकालूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ब्रश करने के बाद अगर मैं अंदर ले गई उसको तो फिर उसका फिर दोबारा मन नहीं होता आने का, तो फिर टाइम वेस्ट होता है आधा। तो इसलिए ट्राई करती हूँ कि वॉशरूम में आइए तो सारा इसको ना हर चीज़ के फ्री करके ही फिर यहाँ से निकलूँ नहला धुला के। और जीने को ना यार हर काम खुद ही करना होता है, मतलब उसे पेस्ट भी खुद ही लगाना है ब्रश में, और नहला नहाना भी खुद ही है, ब्रश भी खुद ही करना है। तो आई थिंक बच्चों में इस एज में होता ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही है। कपड़े भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती है ना, तो उसको खुद ही करना होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा मैं भी कर दूँ, क्योंकि अभी ब्रश जो है अंदर तक वो ठीक से कर नहीं पाती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा देती हूँ। और अब मैडम को नहला धुला देते हैं, नहलाने के बाद ले चलते हैं और इसको रेडी करते हैं फिर स्कूल के लिए। और जी नहीं यार, अभी जाती है प्ले स्कूल में, तो टाइमिंग थोड़ी सी लेट ही है मैडम की, ज़्यादा जल्दी नहीं है, 9:30 के अराउंड कुछ निकल जाती हैं, और विंटर है तो इसलिए फिर थोड़ी लेट ही है टाइमिंग, और 3-3.5 घंटे में फिर वो आ भी जाती है घर पे। ज़्यादा देर तक अभी नहीं है क्योंकि प्ले स्कूल है, तो इसलिए टाइम से घर भी आ जाती है, और इसीलिए फिर वो मॉर्निंग में ना ज़्यादा कुछ नाश्ता करके नहीं जाती, एकदम उठ के सीधा स्कूल के लिए रेडी होती है, तो उसका मन भी नहीं करता। मुश्किल से दूध पी के जाती है वो जबरदस्ती, जब मैं थोड़ा बहुत पिला देती हूँ तो मॉर्निंग में दूध लेती है मैडम, और फिर बस स्कूल में लंच वगैरह ले जाती है, वही करेगी अब जाके। और अब हो चुकी है रेडी, अब मैं दूंगी इसको दूध, क्योंकि ये आराम से अब दूध पिएगी, और मैं भी इसको फ्री हो गई हूँ रेडी करके, और मैं अब हस्बैंड का लंच वंच पैक कर दूंगी। और आज यार जीनू के लंच बॉक्स में रख रही हूँ मैं मटर एंड कुलचा, जो कि मंगाया था, तो इसको बहुत अच्छा लगा था, तो मैं सोचा चलो यार लंच में रख देती हूँ। बटर से मैंने सेक दिया है और यहाँ पे कर दिया है छोटा सा लंच बॉक्स पैक, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो खाती नहीं, छोटी है अभी, तो इतना ही खा पाती है वो भी। और साथ में रख देता हूँ उसके फेवरेट बिस्किट, क्रीम वाले, ऑरेंज वाले। तो बस यहाँ पे हो गया लंच बॉक्स पैक, एंड बोतल रख दिया उसकी पानी की, और जाते टाइम उसको मैं बादाम ज़रूर दे देती हूँ सोख किए हुए, रात के भिगो देती हूँ रात में, और उसको छील के 3-4 बादाम के अराउंड कुछ वो खा के चली जाती है। अभी यार उसको कोई ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता है, और बादाम भी ना वो भीगे हुए खाती है, अदरवाइज वैसे बादाम वो खाती भी नहीं है। और अभी मैडम को काजू भी नहीं अच्छा लगता, बीच में क्या था कि उसको काजू और बादाम वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, बट अब नहीं लगते। किशमिश हाँ उसकी फेवरेट है हमेशा से, किशमिश वो ज़रूर खा लेती है, तो इसलिए फिर मैं भिगो देती हूँ बादाम, क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए, और थोड़ा जब तक लंच करेगी तब तक पेट में कुछ तो पड़ा ही रहेगा, तो इसलिए फिर देना सही रहता है। दूध तो हल्का ही होता है, और वैसे भी ज़्यादा दूध पीती नहीं है वो मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे हो चुकी है रेडी, मम्मी जी इसको छोड़ के आ जाएंगे स्कूल में, क्योंकि स्कूल जो है ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है, तो जीनी मैडम चलेंगी दादी के साथ, और फिर मैं या मम्मी कोई भी लेके आ जाएंगे उसको। एंड अब जीनी मैडम स्कूल से आ चुकी हैं, यूनिफॉर्म चेंज कर दी है, एंड उसका लंच बॉक्स वगैरह वो सब मैं निकालती हूँ, और आज देखो क्या लेके आई है, आते टाइम एरोप्लेन लेके आई है मैडम रिमोट वाला, तो उसी से खेलने में लगी पड़ी है, जब से लाई है ना तो उसी में लगी हुई है, तो थोड़ी देर खेलेगी, कुछ खाने की चीज़ वगैरह ले आती है मोस्टली स्कूल से आते टाइम, तो वो खाती है, तो ये इसका डेली का रूटीन है आने के बाद। तो आज तो खेलने में ही दिमाग रहेगा, क्योंकि नए नए टॉयज आते हैं ना बच्चों के, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा क्रेज़ होता है, उसको छोड़ते ही नहीं है नए वाले को, तो आज पूरे दिन जो है वो इसी में लगने वाली है। और लंच बॉक्स में जो लंच रखती हूँ ना मैं, वो पूरा फिनिश करके आती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि बचा के नहीं लाती है, तो बस देखती जरूर हूँ उसका लंच बॉक्स। एंड अब बस इसको डायरी चेक करती हूँ मैं, क्या क्या मिला है होमवर्क में,
और बस होमवर्क तो खैर बाद में आराम से कर लेंगे, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं होती है क्योंकि थोड़ा सा ही मिलता है। और आने के बाद क्या मैं उसको फ्रूट ज़रूर देती हूँ, फ्रीज से निकाल के रख देती हूँ पहले जब जीनी के आने का टाइम होता है ना स्कूल से, तो मैं कट कर देती हूँ फ्रूट्स एंड उसके आते हैंड वॉश वगैरह वो सब करके फिर वो फ्रूट्स खाने बैठ जाती है, थोड़ी देर खेलती है और फ्रूट्स में वो सब खा लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कट करके दे दो आप सब खा लेगी। बाकी ऑरेंज है और ग्रेप्स वगैरह ये तो उसके फेवरेट हैं, एप्पल का तो डेली का रूटीन है, वो तो खाती खाती है। और इससे क्या है ना थोड़ी सी यार बच्चे में एनर्जी बनी रहती है क्योंकि स्कूल से आई है, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी आ जाती है। एंड इसके आधे घंटे बाद क्या है मैं इसको खाना दे दूँगी और हम दोनों बैठ के जो है खाना खाते हैं एक साथ, लंच करते हैं। और फ्रूट्स क्या क्या है ना कि ये ले जा नहीं पाती है स्कूल में क्योंकि इतना सब एक साथ खा नहीं पाती है, तो इसलिए कई बार तो लंच में पैक कर देती हूँ मैं, खाली फ्रूट्स ही ले जाती है तो घर पे नहीं देती हूँ। अदरवाइज़ क्या अगर लंच में नहीं ले गई है तो फिर मैं घर पे ज़रूर देती हूँ उसको। और मोस्टली ट्राई करती हूँ कि दिन में ही फ्रूट्स वगैरह दूँ, रात में कम ही देती हूँ, रात में देती ही नहीं हूँ उसको। और इधर बस लंच की प्लेट रेडी कर देते हैं, उसका फेवरेट रायता जो कि वो ज़रूर खाती है, डेली का रूटीन है बूंदी का रायता, उसको चाहिए ही चाहिए होता है रोटी के साथ में। और साथ में मैंने बनाई आज फूल गोभी की सब्ज़ी मटर डाल के, एंड आलू उसके फेवरेट हैं तो आलू से खा लेती है और मटर भी, तो बस यहाँ पे हो गई प्लेट रेडी, तो खा लेगी आराम से अपने छोटे से डाइनिंग टेबल पे वो खाती है खाना। और साथ में चला लेते हैं टीवी, यही टाइम होता है कि जब जीनू टीवी एंजॉय करती है और साथ में खाना भी खा लेती है, क्योंकि उसके बाद टीवी भी देखने के बाद फिर उसको करना है होमवर्क। तो यहाँ खाना वो अपने हाथ से ही खाना पसंद करती है, जैसे कि मैंने बोला कि हर काम उसको खुद ही करना पसंद है अपने आप, और अच्छा भी यार बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनता है, अगर माँ ही खिलाती रहेगी पूरे टाइम तो बच्चे को यही आदत बनी रहती है फिर, और उसका पूरा ध्यान जो है टीवी में ही होता है और माँ अपने हाथ से खिलाती रहती है, माँ को लगता है बच्चे का पेट भर गया बट ऐसा नहीं होता है, बच्चे का ध्यान टीवी में होता है और कई बार वो ओवर ईटिंग कर जाता है तो वो सही नहीं रहता बच्चे के लिए। तो उधर मैं भी ले आई हूँ खाना और साथ में बैठ के हम दोनों खाते हैं खाना और टीवी इंजॉय करता है, कार्टून मैं भी देख लेती हूँ उसके साथ में थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो है जीनू को खेलने के बाद फिर करते हैं हम लोग होमवर्क, जो कि मिला होता है थोड़ा बहुत ही मिलता है, छोटी है तो इसलिए ज़्यादा होमवर्क देती नहीं है टीचर, तो थोड़ा सा और देखो होमवर्क भी खुद ही कर लेती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जहाँ उसकी गलती होती है वहाँ मैं समझाती हूँ बट वो उल्टा मेरे को ही समझा देती है कि मम्मा नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे काम होता है, तो इधर कर रही है और मैं कर लेती हूँ उसकी डायरी चेक और किसी में तो होमवर्क नहीं मिला है, तो बस यहाँ पे होमवर्क करते हैं। एंड उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग करते हैं आराम, लेट जाते हैं और जीनू को जबरदस्ती मैं लिटा ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है उसको, एनर्जी आ जाती है शाम के लिए, अदरवाइज़ क्या फिर वो शाम को जल्दी सोने लग जाती है, तो इसलिए दोपहर में मैं थोड़ी देर उसको लिटा लेती हूँ और इसी बहाने मैं भी आराम कर लेती हूँ यार, वरना जीनी आराम नहीं करेगी तो मैं तो आराम कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि उसी में लगना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हम दोनों माँ बेटी जो है लेट जाते हैं। और फिर शाम का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम पे जीनू को मैं दूध में आजकल ना हल्की सी अदरक और हल्की सी पत्ती ला के दे देती हूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है तो उसको जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है, तो ट्राई करती हूँ कि वो पी ले, अदरवाइज़ क्या वो चाय वगैरह उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो चाय तो पीती नहीं है वो, तो बिस्किट खा लेती है बट चाय नहीं पीती है, तो इसलिए जबरदस्ती मैंने उसको दे दिया है आज, अदरवाइज़ तो दूध ही लेती है कई बार। और यहाँ देखो सारे टैडी को बिठा लेती है अपने और साथ में ही खाना खाते हैं, सारे टैडी जो है ना जीनू के साथ में ही रहते हैं हमेशा, टीवी देखती है तब भी उनको साथ में ही रखती है, खाना खाएगी तब भी, तो ये उसका रूटीन है। और उसके बाद मैं भी चाय वाय पी लेती हूँ और उसके बाद हम दोनों खेलते हैं। और जीनी मुझे यार गेम सिखाती है, मम्मा ये वाला खेलो ये वाला खेलो आज, तो ये काफ़ी टाइम से खेलती है वो स्क्विड गेम्स, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो उसमें एक गेम था कि जब कोकोआ कोकी बोलते हैं उसमें और एक डॉल होती है वो जो गोली मारती है शूट करती है, तो वही जीनू कर रही है यहाँ पे, मैं चल रही थी एंड वो मुझे शूट कर रही थी बार बार, तो कुछ ना कोई गेम और ये पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर वाला गेम था, तो मुझे सिखाती है और फिर मेरे को वही करना होता है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मुझे यार डिनर की तैयारी में लगना होता है, तो यही थोड़ा सा टाइम होता है कि जब हम लोग आपस में खेल पाते हैं। एंड रात में जब पापा आते हैं उसके तो वो उनके साथ खेलती है, उनको छोड़ती नहीं है क्योंकि पूरे दिन के बाद पापा मिलते हैं रात में,
तो फिर उनको कैसे छोड़ दें। और उसके बाद खेलने के बाद मैं उसको दे देती हूँ कॉर्न की चाट, स्वीट कॉर्न, जो कि उसके फेवरेट हैं। डेली का यार उसका अलग अलग रूटीन है, दूध पीने के बाद कभी ये स्वीट कॉर्न खाती है, कभी वर्मीसेली बना लेती हूँ मैं, कभी हलवा खा लेती है, तो कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, तो खाती रहती है धीरे धीरे करके। एक साथ बच्चों को खिला दो ना तो फिर क्या होता है, उनको पेट भारी रहता है और वो ना फ्रेश नहीं रह पाते, एनर्जी नहीं रहती उनमें उतनी, तो आलस आता रहता है उनको, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके ना देते रहना चाहिए। बीच बीच में मील एक हो जाए ना तो बेटर रहती है, बच्चों का ही पेट भरा रहता है और उनको अच्छा भी लगता है खेलने में, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है बच्चों की, क्योंकि पूरे दिन वो कूदते खेलते रहते हैं। और अब जो है मैडम खेलेंगे मैक में एक गेम, कोई भी गेम चला लेती है और शाम के टाइम पे गेम खेल लेती है। फ़ोन का मैं यूज़ बहुत कम करने देती हूँ, मैं तो फ़ोन देती नहीं उसको अपना, बाकी दादी का ले ले तो अलग बात है, बाकी फ़ोन का यूज़ काफ़ी कम कर दिया जिन्होंने अब पहले के मुकाबले, क्योंकि मम्मी दे देती थी तो उनका ले लेती थी दादी का, दादी की आत्मा होती है ऐसी ना बच्चों में ज़्यादा होती हैं दादी बाबा की, तो इसलिए फिर, बट अब उसने बहुत कम कर दिया। और देखो पापा क्या आते ही अपने लग चुके उनको एरोप्लेन दिखाने में, एरोप्लेन से खेल रही अभी। और जीनी मैडम का डिनर जो है वो भी रेडी हो चुका है। एक्चुअली जीनी को अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है, बट आज मैंने अरहर की दाल तो नहीं बनाई है, डेली तो नहीं बना सकते उसे, बट ये है कि ट्राई करती हूँ मैं सारी दाल वो खाना सीख जाए, सारी दाल खाए, तो इसलिए मैंने बनाई है जुरत की दाल। कई बार छोड़ भी देती है बट फिर भी मैं थोड़ी रख ही देती हूँ उसको, क्योंकि छोड़ देती है तो फिर मैं ही खा लेती हूँ उसको, वेस्ट तो नहीं करती हूँ बट रख इसलिए देती हूँ, कई बार बच्चों को ना पसंद हो जाती आ जाती है, मना करते हैं कि ये नहीं खाना, बट कई बार अच्छी लग जाती है तो खा भी लेते हैं। और साथ में रख दिया मैंने उसके नींबू का अचार, जो कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, मम्मी ने डाला है अभी, तो खट्टा खट्टा ना खट्टी चीज़ें है ना उसको बहुत अच्छी लगती है। और सैलेड में तो यार उसका फेवरेट खीरा ही है मोस्टली, गाजर ले लेती है बट खीरा तो बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार तो पूरी प्लेट खा जाती है वो खीरा, अगर उसको दिख गए ना कटे हुए तो वो छोड़ती नहीं है, तो यहाँ दे दिया उसको खीरा। एंड स्टार्टिंग में तो ड्रामा दिखा रही थी, थोड़ा सा नखरे दिखाया उसने कि मम्मा ये कौन सी दाल है, तो उसको दालों के नाम बताने पड़ते हैं, क्योंकि अभी उसे सिर्फ एक ही दाल का नाम पता है अरहर का, बाकी दालों के नाम मुझे सिखाने पड़ रहे हैं उसको भी, तो थोड़ा सा मैंने खिलाया था एक बाइट, फिर उसको अच्छा लग गया कि मैंने कहा नींबू का अचार भी है, तो फिर उसके बाद उसने खाना स्टार्ट कर दिया, फिर तो दाल भी पी ली उसने, सब फिनिश कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा दिखा रही थी नखरे बट फिर ठीक हो गया। एंड यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, पापा और बेटी खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो है मैं भी डिनर करूँगी। तो यहाँ पे जीने के लिए हाँ यार छोटी रोटी बना देती हूँ मैं, क्योंकि उसको और अलग अलग शेप की बनाती हूँ, कई बार हार्ट शेप की चाहिए होती है, कभी स्टार वाली, तो आज मैंने गोली बनाई है और छोटी बना देती हूँ, तो वो खा लेती है, बड़ी देख के ना खाती नहीं है। तो यार ये था मेरी 3 साल की बेटी का रूटीन पूरे दिन का, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।